जैसे हम कहते हैं कि सभी कहते हैं कि राम जी जो हैं वो अंतर्यामी हैं, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार है और उन्हें अंतर्यामी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी। लेकिन जब उन्होंने युद्ध का घोड़ा छोड़ा था तब वो लवकुश ने पकड़ लिया था, तब वो सब जब हार गए थे तो स्वयं राम जी उनसे युद्ध करने गए थे। तो स्वयं राम जी ही क्यों अपनी संतान को नहीं पहचान पाए, अपने लवकुश को क्यों नहीं पहचान पाए? भगवान होते हुए भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का प्रयोग पूरे राम कथा में नहीं किया। अच्छा, राम जी भगवान है तो बताओ क्या समुद्र पार नहीं हो सकते, उड़ नहीं सकते? हनुमान जी जब उड़ सकते, उनके चेला उड़ सकते, तो गुरु जी नहीं उड़ सकते क्या? तो राम जी उड़े क्यों नहीं? उन्होंने इंसान बनकर के चरित्र बतलाया है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में अगर संघर्ष आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। जैसे नाटक करने वाला मंच पर आता है तो बाप रावण बन जाता है, बेटा राम। अब है तो वो बाप बेटे पर पहचानते भी हैं, लेकिन मंच पर वही दिखाएंगे कि हम राम हैं और ये रावण है, तो तीर ही मारेंगे। पर मंच का पर्दा गिरा तो भीतर दोनों एक, चाहे रावण भी बीता है और राम जी भी पुरपते। उसी प्रकार राम जी का यह मंचन है, राम जी की यह लीला है। ब्रह्म तो है पर मनुष्य बनकर भगवान ने भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया, इंसान बनकर के इंसानों को बताया कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने घोड़ा को ढूंढवा